प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्रनाथ पांडे मध्य प्रदेश ग्वालियर से बोल रहा हूँ। आप लोग जिस स्नेह प्यार से मेरे प्रोग्राम को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसके लिए फरमाइश कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। आपके सहयोग के लिए मैं प्रत्येक वीडियो में मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ, फिर भी मैं बोल देता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर 9425308111। आज एक आपके सामने वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ, सूर्य शुक्र की युक्ति। सूर्य शुक्र किस लग्न में क्या प्रभाव देता है। जिस व्यक्ति जिसके कुंडली में मेष लग्न है, उसमें सूर्य और शुक्र की युक्ति है। ऐसे लोग आलसी होते हैं, जिद्दी होते हैं, ऐसे लोग सख्सी विचार के होते हैं, इनकी सोच गंदी होती है। जिस व्यक्ति के कुंडली में वृषभ लग्न है, उसमें सूर्य शुक्र की युक्ति है, ऐसे लोग धन जन से संपन्न होते हैं, अच्छा उन्नति करते हैं, अच्छा पैसा कमाते हैं। जिस व्यक्ति के कुंडली में मिथुन लग्न है, उसमें सूर्य शुक्र की युक्ति है, ऐसे लोग माता पिता से अच्छा धन पाते हैं, अच्छा वैभव पाते हैं, भाई बंधुओं से सहयोग मिलता है और ऐसे लोग कभी गरीबी नहीं रहते। जिस व्यक्ति का कर्क लग्न है, उसमें सूर्य और शुक्र की युक्ति है, ऐसे लोग अक्षमातिक पद की प्राप्ति करते हैं, अच्छी उन्नति करते हैं और अच्छी नौकरी प्राप्त करते हैं। जिस व्यक्ति का सिंह लग्न है, उसमें सूर्य शुक्र की युक्ति है, ऐसे लोगों की शिक्षा अधूरी रह जाती है, ऐसे लोग इच्छा अनुसार शिक्षा नहीं प्राप्त करते हैं, बेरोजगार रहते हैं और जीवन में संघर्ष करते हैं। जिस व्यक्ति का कन्या लग्न है, उसमें सूर्य शुक्र की युक्ति है, ऐसे लोग केस मुकदमा में फंसे रहते हैं, ऐसे लोग उलझनों में रहते हैं, ऐसे लोग भाग दौड़ अधिक करते हैं, मानसिक परेशानी में रहते हैं और कभी कभी केस मुकदमा के चलते जेल जाने की भी संभावना है। जिस व्यक्ति का तुला लग्न है, उसमें सूर्य शुक्र की युक्ति है, ऐसे लोग का दाम्पत्य जीवन अच्छा होता है, अच्छा उन्नति करते हैं, परंतु जिद क्रोध के कारण इनका पारिवारिक जीवन विवादाग्रस्त हो जाता है। कुंवारे लड़का लड़की की इच्छानुसार शादी नहीं होती है, उन्नति तो पूर्ण करते हैं परंतु संतुष्टि नहीं आती। जिस व्यक्ति का वृश्चिक लग्न है, उसमें सूर्य शुक्र की युक्ति है, ऐसे लोग कफ सर्दी खांसी आँख की बीमारी से परेशान रहते हैं, जिसके कारण इनको मानसिक पीड़ा रहती है। जिस व्यक्ति का धनु लग्न है, उसमें सूर्य शुक्र की युक्ति है, ऐसे लोग नौकरी में सस्पेंड हो जाते हैं, लाखों के कर्जदार हो जाते हैं, बनते काम बिगड़ जाते हैं। जिस व्यक्ति का मकर लग्न है, उसमें सूर्य शुक्र की युक्ति है, ऐसे लोग सरकार से पूजे जाते हैं, सरकार से अच्छा पद मिलता है, ऐसे लोग उद्योगपति होते हैं, व्यापारी होते हैं। जिस व्यक्ति का कुंभ लग्न है, उसमें सूर्य शुक्र की युक्ति है, ऐसे लोग केमिकल लोहा कपड़ा का व्यापार करते हैं और अच्छा धन कमाते हैं, समाज में अच्छी इज्जत प्रतिष्ठा पाते हैं। जिस व्यक्ति का मीन लग्न है, उसमें सूर्य शुक्र की युक्ति है, ऐसे लोग जीवन में करोड़ों रुपया कमाते हैं, दयालु होते हैं, उदार होते हैं, धार्मिक होते हैं, गरीबों की सहायता करने वाले होते हैं, इनके चौथे पन भी सुखदायी व्यतीत होते हैं। ये छोटा सा वीडियो सूर्य शुक्र की युक्ति किस लग्न में क्या प्रभाव रख देता है, ये मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। इसको ध्यान से सुनिए, इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो मुझसे करिएगा, मैं प्रयास करूँगा आपका उत्तर देने के लिए। नमस्कार।